नमस्कार, तो मेरा नाम मनीष कुमार, अखंड भारत के आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आया हूँ अलूपर गांव में, और यहाँ पे कुछ हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अभी हम इनसे बात कर लेते हैं और क्या कुछ गांव की स्थिति है विकास की, तो इनसे जान लेते हैं। ताऊ राम राम। ठीक है ताऊ, कुछ काम हो रहे हैं गाँव में, पंचायत में क्या कुछ करें? कुछ नहीं आया। और जो जिला परिषद इस पर क्या है, कोई भी पूछ लूंगा, इसका भी आ जाएगा नंबर, इसमें के पीछे लागे है। ठीक है तब उसके कुछ अच्छा। और जो यो क्या नाम है, आशा पंचाल है आपके जिला पार्षद? और जो आपके जिला परिषद है श्रीमती अंकल जी ने बताया, एक अंकल जी हो रहे हैं तो थोड़े बिजी से हैं, देखो टाइम देना, तो अंकल जी 5 मिनट दे दो, 5 मिनट देता हूँ। नमस्ते अंकल जी। हाँ बोलो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते को। नमस्ते जी। किस अंकल जी? ठीक है मड़ा। हाँ। किसा को अंकल जी? ठीक हो? हाँ ठीक है। काम कुम कुछ हो रहे हैं गाँव में? काम कुम के बारे में क्या नहीं बाया ने, तो आज तक क्या ने कभी टेंशन ना पड़े जरा कर रहे हैं। अच्छा, एक मारा तो राशन कार्ड से नहीं पड़े का सुखला बीपीएल का वो भी काट दिया सारे, आज ते नहीं सारे बड़े बड़े हैं तो मिल रहे राशन हमारे पर यार कुछ नहीं मिल, कुछ नहीं मिलता। अच्छी बात। तो जैसे अंकल जी ने अपने समस्याएं बताई अभी, और भाई साहब है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भाई हो रहे हैं, अभी हम इनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई क्या भाई? बढ़िया भाई साहब। भाई साहब गांव में के कुछ काम है? भाई साहब गांव में तो काम तो सही बताऊँ कुछ नहीं, पहली तो बात मेरे गांव में भाई पानी की निकासी तो बिल्कुल एक हो नहीं। हाँ, पानी की निकासी सुविधा पहले हो गया गाँव में, पानी की निकासी को नहीं मेरे गाँव में। और दूसरी बात आप सामने देख लो कि चौक में क्या हाल है, देख लो बुढ़े पड़ पड़ का यार, दो बुढ़े तो टांग भी टूट ली बिल्कुल, अरे यार इतना बुरा हाल कर रहा है कैसे ना बोल। और जो आपके यहाँ से जो जिला परिषद है भाई, कभी आग नहीं देखे ना तो यहाँ पे कभी भी आग नहीं देखे, नहीं पता हमने कौन हमारी जिला परिषद है कौन के है। ठीक बात है, नाम तो सुना है पहले बार सुना हमने नाम जिला परिषद। हाँ भाई साहब, तो यहाँ पर एक भाई साहब हो रहे हैं, भाई आपका क्या कुछ कहना है पंचायत का? नहीं तो पंचायत ने तो जमा बुरा हाल कर रखे भाई, काम में कोई इसी गाड़ नहीं, जो बुढ़ा आदमी चाल पड़ा बालक पार चलिया जाए जमा बुरा हाल कर रखे, बुरा हाल कर रखे। और पार्षद का नहीं चलते कुछ कहना? भाई कुछ नहीं कहना उसका, नहीं तो जी बैग देख दे ही नहीं। एक भाई और है, भाई तो पूछ लें भाई क्या हाल है? ठीक है भाई। भाई आप भी बता दो अपने ये बताओ भाई, इस तक कुछ काम को सरपंच था यू बाहर पाओ है कड़ी चंडीगढ़ कड़ी पानी पथ है बालक भर्ती हम जावा इन साइन पॉइंट वगैरह मोर की जरूरत हो है, ये फोन मिला तो इस तेन का मैं बाहर हूँ शाम ने मिलूंगा, कोई टाइम टेबल नहीं। सरपंच तो बनाया गांव ने, गांव में रहना चाहिए बाहर के काम, गांव में रहना चाहिए, गांव के साथ विकास होना चाहिए गांव का, जिबे तो ठीक बात होगी नहीं, जिबे वो ज्यादा दे रहा है वोट ढंग बना रहेगा। तो जिला परिषद के बारे में क्या कुछ कहना है? भाई यू तो हमने मारी तो समझता बाहर है जिला परिषद, तो आज भी हमने ना तो मेरा कौन है बने रहा कौन नहीं। ठीक बात है। तो ये डायक अंकल जी, अंकल जी तो पूछ ला। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। ठीक अंकल जी। हाँ ठीक है।
आपका क्या कुछ कहना है? जिला परिषद है, पंचायत है भाई, हम तो क्या ही मेरा लिए जाकर जाने पड़े, हम तो अनपढ़ मानस हैं भाई, कभी देखे तो होंगे हैं कुछ करया हो, कुछ शब्द ना करया है, कहना करया है, कुछ नहीं, मोटी मोटी ही करया। देखिए देखो उड़े जाए और यह नाली देखा एकदम छोड़ रखे, रिया बना रखे, आज लकड़ी भी बनी रही हो, देख लिया तो एक तो नाली काट दी, एक कर दी, एक छोड़ दी, या छोड़ दी, देख भाई तो गांव के बुरे हाल हैं। एक भाई और है, पूछ लें भाई, राम राम भाई साहब, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, के कुछ कहना है गांव के काम कुम के बारे में? भाई गांव में काम तो सुनने जिला परिषद का एक आश्रम एक बात होंडा है यार, तू मैं हां हां बाकी याद लगन हम देख के बोल है कि दवाई ले मुझे यार, अभी डॉक्टर हम तो करते हैं, तो करता है लगाइए बंद तो ये चैनल आ रहा है कोई सुविधा नहीं है भाई। और है भाई बोल है भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब, भाई के कुछ काम का काम 5 साल होना रहे हैं। हाँ हाँ भाई साहब, कुछ नहीं, काम घूम नाम रहा भाई, हाँ भाई स्टेडियम आके देख ले भाई साहब, कुछ से तक लाग रहे हैं, कुछ से आगे काम है, स्टेडियम आके भाई साहब कौन सा खेलते होंगे ना? ना ना भाई साहब, सरकार खिलाती होगी, इतना पंचायत खिलाती होगी ना? ना ना इसी कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है, हमने देखिए नहीं भाई साहब, आते ही गाँव में नहीं आए हमारे, तेरे माई थी सास की वोट मांगने, तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया और गांव के काफी लोगों से बात हुई, तो कुल मिला के रिजल्ट यही निकलता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, तो मैं आपको वहाँ मौके पे लेके चलता हूँ, बने रहे हमारे साथ। ये देखो जी आने जाने का रास्ता, देखो कितने कितने खड्डे हो रहे हैं गाड़ों में, देखो ये पानी देख सकते हैं, और ये पानी खड्डे बहुत हैं यहाँ पे, देख ले गाड़ो भाई खड्डे। ये सोचा आदमी कि भाई ना निकल जाएगा, निकल कौन सकता भाई, इसमें पड़ जाएगा आदमी, ने बेरा ना होनी और तो नहीं सोचेगा थोड़ा सा पानी यार लिकट जानी है, अर लिकड़ा को नहीं बीच में पड़ जाएगा, ठीक है नहीं? अरे भाई कोई भी आदमी थोड़ा ध्यान तय लिकड़ी हो। अरे मैं गांव अलूपर के ग्राम पंचायत को अपील करता हूं कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि जो भी आपको वोट करता है, वोट इसलिए करता है कि गांव के काम हो, और काम सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है जो कि। और एक बात भाई मेरे भाई, जो स्टेडियम हमारा, स्टेडियम में इतने बच्चे, जो भी अपने आसपास के गांव के बच्चे हैं ना, इस गांव से ज़्यादा मेडल नहीं है, इस गांव से ज़्यादा जिस लेवल पे इस गांव के बच्चे हैं, उससे ज़्यादा कोई किसी गांव में आसपास के नहीं, उन गांव में स्टेडियम जाके देख लो, और मेरे गांव में स्टेडियम के बाहर देख लो क्या हो रहा है, गोबर पत्थर, लोग वहाँ पे आने जाने का भी रास्ता नहीं है, इतना बुरा हाल हो गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा, ना कोई सुनता हमारी, ना कोई करता है, क्या करें भाई, आप बताओ क्या कर सकते हैं, हम किस तरह अपील दे सकें, हम वहीं जा सकें, पर हमारे गांव में इतना बुरा हाल कहीं नहीं है, जो इस गांव में पानी की निकासी नहीं है, स्टेडियम नहीं है, बच्चे ऐसे ही फिरते हैं, कोई अपने प्लॉट में खेल रहा, कोई कहाँ खेल रहा है, कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, वोट के टाइम पर सारे दावे, उसके बाद कोई दावा नहीं, देखते भी नहीं आगे। तो मैं अपने चैनल और अपने आप से, अपने आप के थ्रू पंचायत को, शासन प्रशासन को ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो समस्याएँ हैं ये इनको सुलझाया जाए। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।